हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है मास्टर मनी टेक। गाइस, मैंने पोल डाला था MI A3 के ऊपर। मैं पूछा था आप लोगों का MI A3 का रिव्यू चाहिए, तो आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने कहा हाँ हमें चाहिए, कैमरा कंपेरिजन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो ये रहा फाइनली मेरे पास MI का A3। ठीक है, अभी गाइस इस पे बहुत बड़ी स्टोरी है। 23 तारीख को पता चला सेल था, 24 को आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया। 49 रुपीज दिया था मैंने एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए, नहीं आया। आज 25 तारीख है, आज भी नहीं आने वाला था भाई, 4 बजे बंद होने वाला था, लेकिन मैं और रोहन पूरी ताकत लगा दी है और इसको वहां से लेके आया। मतलब उनके ही डिलीवरी करके एक पता नहीं कौन सा वेबसाइट था, डिलीवरी कौन सा डिलीवरी पार्टनर थे MI का, मतलब डिलीवरी कुरियर वाले थे, वो डिलीवरी करके उनके पास से लेके आया मैं। मतलब बहुत मेहनत करने के बाद मुझे आई नो इसलिए लेट हो चुका। तो चलो यार, टाइम ना वेस्ट करते सीधा चलते हैं वहां पर और जरा इसको खोलते। ओके चलो। और तो ये रहा पैकेज और हम खोलेंगे इसको इस चीज से। लेट्स सी, मेरे भाई का आइडिया था, मैंने इसको कई बार बोला कि नहीं खुलेगा। चलो इससे हम पहले इसकी चीज हरण करते। ओके, सो ये रहा MI A3 और खुद के पैसे का लिया हुआ है गाइस, तो जेन्युइन रिव्यू मिलेगा और एक बहुत ही कमाल का वीडियो आने वाला है, मैं आपको थोड़ी ही दिन में ला दूंगा। बहुत ही मस्त चीज है, पर इन्होंने ये दिया है बस, इसको हम लोग फेंक देंगे आज। इस बार हमको मूड नहीं कर रहा बिकॉज बहुत लेट हो चुके हैं। ऑल्दो मुझे बिल तो दिख नहीं रहा है, शायद मेरा बिल यहाँ पर अटैच आपको दिख रहा होगा, यहाँ इस जगह मेरा बिल है। ठीक है, तो या थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने बेस वेरिएंट लिया जैसा जानते हो, थोड़ा पैसा बचाने के लिए बेस वेरिएंट भी काफी इनफ है। तो यहाँ पर दो सील लगे हुए हैं यहाँ पर, तो चलो इन सील को खोलते हैं फाइनली। अच्छा है, और ये सील खुल जा, सिम खुल जा। ओके चलो, इससे खुल गया एक सील, अभी इसको ट्राई करते हैं। खुल गया, चलो फाइन, दोनों ही खुल गए। और गाइस अभी यहाँ पर इसको निकालते हैं और आजा जाने मन आजा, और बहुत ही प्यार से डब्बा निकल गया। और ये रहा, पहले हमको मिलेगा एक मस्त, इसके अंदर क्या है वैसे, तो यहाँ पर जैसे सिम इजेक्टर टूल्स है, सम पेपर हुआ और एक कवर दिया है यहाँ पर। और अभी आजकल सारे फोन्स में आने लग गए थैंक्स टू आईफोन। और ये रहा, पर रबर का है, काफ़ी प्रोटेक्टिव देगा, कितना देगा बाद में देखेंगे इस चीज़ को। और यहाँ पर गूगल असिस्टेंट बिकॉज आप जानते हो ये स्टॉक है, और मोर एंड लेस यहाँ पर कुछ पेपर वर्क दिया है। और आप में से कई सारे लोगों को यार ये इसमें पैसा तो ना बर्बाद कर दिया, शायद आपको हमें 5 Pro लेना चाहिए था या हमें Realme 5 लेना चाहिए था। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़ोन भी जो है ना, दोनों में से कंपेरेटिवली ये भी बुरा नहीं है, उसका एक रीज़न आपको थोड़े टाइम पर बताऊँगा। ठीक है, मेरे एक वीडियो में बताऊँगा जब मैं इसका रिव्यू करूँगा, और उसके कई रीजन से कई सारे एक्सपेक्ट है। और यहाँ पर फिलहाल और हमें देखने को मिल जाता है सिंपली चार्जर, 10 वॉट का एक चार्जर हमें मिल जाता है, और यहाँ पर हमें एक USB टाइप सी मिल जाता है आई गेस, या सो टाइप सी हमें देखने को मिल जाता है। सो या ये प्रीटी मच इतनी एक्सेसरीज है हेडफोन की, तो उम्मीद अब कभी हम कर ही नहीं सकते ये सब चीज़ों से। और फाइनली हमारे हाथ में है फ़ोन, सो ज़रा इसको मैं प्यार से निकालता हूँ। और यहाँ पर छोटा लग रहा है हाथ में, पहला अगर मैं इंप्रेशन दूँ तो छोटा है, पता नहीं कि मुझे छोटा लग रहा है। एंड दिखने में जो है ना यार, ये दिखने में कुछ अलग ही लेवल की चीज़ है, दिखने में बहुत ही प्यारा है थैंक्स टू ये ग्लास है करके, थोड़ा सा ज़्यादा आपको बेटर फील दे रहा है। अच्छा, ये पूरा कवर है क्या पीछे का, वो अगर तो यहाँ पर पूरा का पूरा दिया इन्होंने प्रोटेक्शन है। सो मैं इसको इस तरह से निकाल देता हूँ, फाइन। सो नाउ यू कैन सी द लुक प्रीटी मच, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत ही खूबसूरत है। और साइज़ कंपेयर करने के लिए मैं जरा आपको रोहन वो दे, तो यहाँ पर मैं इसको भी निकाल दिया। ठीक है, तो अभी मैं आपको साइज़ कंपेयर करूँगा। तो ये रहा मेरे पास दूसरा फ़ोन जो है K20 Pro, और उसके कंपेरेटिव आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ माइनर थोड़ा सा, जैसा अगर मैं ऊपर से टॉप पकड़ूँ तो आप देख सकते हो माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ा सा साइज में डिफरेंस है। और फ्रंट पर भी अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो कि बेजललेस डिस्प्ले है, तो थोड़ा सा बेटर व्यू दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और यहाँ पर थोड़ा छोटा। चलो इसे बूट कर लेता फटाफट, और इसमें फिर सेटअप करने के बाद आपसे मैं मिलता हूँ। ठीक है, तो पहले बात बता दो एंड्रॉइड में चलता है, तब तक अगर मैं क्विक ओवरव्यू की बात करते हैं, यहाँ पर फाइनली आपको देखने को मिल जाएगा IR ब्लास्टर, एक हेडफोन जैक फाइनली, और यहाँ पर ये है नॉइस कैंसिलेशन आई गेस, और यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पर इस जगह पे आपको सिम इजेक्टर टूल्स मिल जाता है, और नीचे आपको USB टाइप सी, और यहाँ पर ये दोनों बॉटम स्पीकर नहीं है, और यहाँ पर चार हो चुका है। तो मैं फटाफट सेटअप कर देता हूँ और फिर हम लोग मिलते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं कि जो बूट हो चुका है फाइनली, और ये रहा फ़ोन। और प्रिटी मच मुझे थोड़ा सा फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा सा ठीक ही लग रहा है, मतलब अगर तो यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा दूँ तो जैसे आप देख सकते हो, चलो पहले चेक कर दो अपडेट हमें मिलता है कि नहीं इसमें। तो फिलहाल जो बैटरी लेवल हमें पहले देखने मिलता था 48%। ठीक है, तो और यहाँ पर अगर मैं सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या हमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट मिला है देखने के लिए, तो ज़रा मैं चेक कर लूँ। या यहाँ पर एक हमें सिक्योरिटी अपडेट मिल चुका है 115 MB का, तो इसको मैं बाद में इंस्टॉल करूँगा।
और जहाँ तक बात है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की, तो मैं ज़रा देख लूँ कितना फास्ट है, कितना एक्यूरेट है। तो पहले हम देखते हैं, हाँ इस तरह अपीयर, तो ये तो इट्स डिसेंट, मतलब मैं बोलूँ बहुत कंपेरेटिवली K20 Pro से मैं कंपेयर करूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पर K20 Pro है, तो यहाँ मैंने अपना टच किया तो ये प्रीटी मच कुछ जैसे आप देख सकते हो, तो बहुत स्लो नहीं है ये K20 Pro का। और या K20 Pro, इसको मैं कंपेयर करूँ K20 Pro से, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि या बट यहाँ पर एक है कि ये अनलॉक होने के पहले आपको एक वाइब्रेशन देता है, तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे वो वाइब्रेशन ऐसा फील देता है जैसे कि आपका डिटेक्ट नहीं हुआ, जैसे आप बोलते ना डिटेक्ट नहीं होता तो एक वाइब्रेशन देता है, पर ये अनलॉक करते हो तो वैसे उस तरीके का वाइब्रेशन हमें देता है। तो या तो चलो एक फटाफट एक क्विक सैंपल लेते हैं। इसमें भी हमें सोनी IMX586 वाला फ्लैगशिप सेंसर देखने को मिल जाता है, एंड प्रीटी मच इसका UI है वो आपको थोड़ा बहुत इसके MI का ही देखने मिल जाएगा, ऑल्दो ये स्टॉक है फिर भी। सो या फटाफट एक क्विक सैंपल लेते हैं वहाँ पर जो रखा हुआ है, एंड या और ये मैंने सिंपल एक फोटो निकाला, तो डिटेल चेक कर लेते ज़रा इसका। तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा डॉट है ज़रा, उसको जूम करके देखते हैं कितना डिटेल हमें देखने मिल जाता है। सो डिटेल वाइज यार ये बहुत ही ऑसम, जैसे आप देख सकते हो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो या डिटेल वाइज ये काफ़ी अच्छा है, एंड चलो एक सेल्फी भी निकाल के देख लेते कैसा आ रहा है, मतलब एक सेल्फी निकाल लेते हैं, एंड लेट्स सी अभी पॉपअप आएगा ज़रा ध्यान से देखना ऊपर की तरफ। तो चलो मैं ऐसे निकाल के आपको दिखाता हूँ, और ऐसा फोटो निकाल लिया मैंने तो आप देख सकते हो, क्योंकि इस तरह कुछ आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। थोड़ा मैं कैमरा क्लोज लेके आता हूँ एंड इस तरह का। और हाँ ये वाला जो फोटो है ये ब्यूटीफिकेशन के साथ है, मतलब इसमें आप अगर डिफॉल्ट ऑन करोगे तो फ्रंट कैमरा तो आपको ब्यूटीफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सो इस तरह ब्यूटीफिकेशन आता है। और मैं अगर यहाँ बात करूँ तो जैसे ये ब्यूटीफिकेशन ऑफ है, तो यहाँ पर डिटेल जो है प्रीटी मच डिसेंट है, मतलब बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा नहीं है, या फिर मुझे 6G की आदत लग गई है, आई डोंट नो। तो या तो गाइस प्रीटी मच ऐसा ही है, एमोलेड डिस्प्ले है, तो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले टाइम पे कैसा है फोन, मतलब और एक बार लुक देख सकते हो आप काफ़ी, आपको लुक कैसे लगा आप नीचे कमेंट करो। और रियलमी 5 प्रो के कंपेरेटिवली बहुत प्रैक्टिकल फोन मुझे ये फील होता है बिकॉज, और एक और चीज़ की इसका जो लुक है यार ये काफ़ी बेहतर है, आप देख सकते हो। तो यार चलो यार दोस्तों वीडियो इतना ही था, और इससे लेके कैमरा रिव्यू सब कुछ आने वाला है Redmi K20 Pro के साथ सबके साथ। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।